ओम नमः शिवाय। दोस्तों, व्रत त्योहार उपाय चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का महीना शिव जी का तो है ही बहुत ही प्रिय। इसी वजह से सावन के प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रदोष व्रत के ऊपर ही है। सावन के महीने में जो प्रदोष व्रत पढ़ रहे हैं उनकी दिन तारीख, महत्व और पूजा का समय, ये सब मैं आज आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन लोग विशेष रूप से भगवान शंकर पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसी कारण सावन के प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष का व्रत रखने का विधान है। सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो चुका है जो 22 अगस्त तक रहेगा। आइए जानते हैं इस साल सावन के दोनों प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त और उनका महत्व। प्रदोष व्रत की तिथि और मुहूर्त। हिंदी पंचांग के अनुसार सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो चुका है और अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि के अनुसार कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 5 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ेगा, जबकि शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 20 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट से पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है। आइए जान लेते हैं सावन के प्रदोष व्रत का महत्व। सावन के महीने का प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ होता है, लेकिन उनमें से भी कुछ विशेष दिनों पर शंकर जी का पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सावन का प्रदोष व्रत उनमें से ही एक है। साथ ही इस साल सावन के दोनों प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष और शुक्र प्रदोष होने के कारण और भी विशेष संयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु प्रदोष का व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वहीं शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा की प्राप्ति के लिए योग बनते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि सावन के प्रदोष का व्रत रखने और कामेश्वर शिव का पूजन करने से उत्तम रूप और गुणवान पत्नी की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप चाहें तो किसी भी व्रत त्योहार के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका आपको जवाब देने की। तो दोस्तों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।